लाइन फॉलो समथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उनकी तरह थोड़ा भी कर सकूं, ऐसा कोई एक्टर है? वैसे तो ये रोल इतना डिफरेंट है और अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई ऐसी छवि रहती है तो अच्छा नहीं रहता आपके कैरेक्टर के लिए, क्योंकि आप अपने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते. लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट जो है वहीदा रहमान ने जो प्यासा में किया था और जिस कन्विक्शन से और जिस जितना कि ज्यादातर थोड़ा सा क्लीशे और स्टीरियोटिपिकल रहता है कि तवायफ कहा तो थोड़ी सी बदतमीज लड़की या थोड़ा सा, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैंने अपनी रिसर्च की इस कैरेक्टर पे तो उनके बात करने का तरीका उनके इतना अच्छा होता है कि कोई भी उनके चक्कर में आके अपना घर बार भूल के, ऑन द कॉन्ट्ररी दैट वॉज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी कि हमको लगा था कि इनको बात करने का तरीका नहीं होगा, सलीका नहीं होगा, तो दे आर सो वेल ग्रूम्ड कि यू विल बी शॉक्ड, मच लाइक वहीदा रहमान कैरेक्टर, यू नो, ब्यूटिफुल वॉइस, ब्यूटिफुल बॉडी लैंग्वेज और चलने का तरीका, सर पे पल्लू रख के, इफ दे हैव टेक्टिक्स कि कौन से लड़के को कौन सी टेक्टिक पसंद आएगी. सो व्हेन आई डिड माय रिसर्च आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द एजुकेशन दे गिव देम फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द एज ऑफ 3 or 4. वेल जैसा कि मैंने कहा, सबने जो इस रोल को किया है थोड़ा सा उसी तरीके में किया हुआ है कि बदतमीज या लड़की जिसको कोई तहजीब नहीं है. जबकि मैंने जब हम लोग नागपाड़ा भी गए वहां पे हम लोगों ने इस चीज को लेके किया, आप उनसे इंटरेक्ट करिए जो कि पॉपुलर प्रोसीज्यूर्स है वहां पे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनके बात करने का सलीका और कितना अच्छा और कितना बेहतर. तो आई थिंक ये बहुत स्टीरियोटिपिकल है कि अगर जैसे कि गुंडे का स्टीरियोटिपिकल है रुमाल साइड में लगाने वाला और एक मस्सा, वैसे ही प्रोस्टिट्यूट का भी टिपिकल होता है, तो आई थिंक वो है थोड़ा सा हमारे यहाँ पे. हेलो वेल क्वीन इज समथिंग जिसका हम लोगों को बहुत ही गर्व है कि इतने बड़े लेवल पे इतनी सारी फिल्मों में, अभी उसके पहले क्रेश और बर्फी और एक और फिल्म है, हमारी चौथी फिल्म है जो कि इतने सालों से लोगों की एंट्रीज जाती है, तो हमारी फिल्म वो भी वर्ल्ड प्रीमियर कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है, तो वो फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म होगी. अब लोग किस तरह से उसको प्रसीव करते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन ये बात तय है कि फिल्म बहुत ही बेहतरीन है. कंगना आपसे सवाल है कि आज के दिन अगर हम के तनुजा वाले एक्ट को अगर जानना चाहें, तनु वर्ड्स मनु में, तो वो एक्ट कैसा हुआ करता था? और अभी रज्जो में आपने बताया कि काफी बेबाक हो चुकी है कंगना, तो कुछ याद आता है तनु वर्ड्स मनु के वक्त का? क्योंकि एक स्पेशल करने वाले हम लोग. देखिए तनु वर्ड्स मनु एक रिबेलियस लड़की का रोल था और ये एक बिल्कुल डिफरेंट लड़की का रोल है, जैसे कि मैंने आपको जो मुजरा करने वाली लड़कियां होती है, आई थिंक प्रोस्टिट्यूट्स की भी कैटेगरीज होती हैं कि किस तरह, ये मुजरा करने वाली लड़की है और खुद को कलाकार मानती है और वहां पे ही पली बड़ी है, वहीं पे उसकी परवरिश हुई है, तो उसका कैरेक्टर काफी एक्साइटिंग है, लेकिन तनु वेल्स मनु से तो बिल्कुल ही नहीं मिलता. रियल लाइफ में आप तनुजा से 1% भी